नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, खासकर उन दाम्पत्यों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके घर में छोटा बच्चा है और वह बच्चा अक्सर रोज़ या आए दिन बिस्तर को गीला करता रहता है, रात्रि के सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है, बिस्तर पर मूत्र त्याग कर देता है और रात्रि के समय बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो इस समस्या को निजात को लेकर के जिन घरों में दो चार साल के बच्चे हैं, पाँच साल के हैं, छः साल के हैं, या जो बच्चे हैं बिस्तर पर मूत्र त्याग करते हैं, उनके लिए आप ऐसा उपाय है जो कि सभी घरों की रसोई में सुलभता के साथ मिलता है और आसानी के साथ प्राप्त हो जाता है। आप इस उपाय को करने के लिए, इस बिस्तर को गंदा बच्चों के द्वारा से किया जाता है, उनके द्वारा से मूत्र त्याग करा जाता है रात्रि के समय सोते समय, तो इससे निजात पाने के लिए आप सर्वप्रथम काले तिल लें। उन काले तिलों को गर्म तवे पर भून लें। जब वह भून जाएं, उसके बाद आप गुड़ लेकर के इन तिलों को मिला करके उसका लड्डू बना लें। लड्डू ऐसा हो जितना कि एक लड्डू जितना बच्चा आसानी से खा सके, और संध्या के समय एक लड्डू प्रतिदिन, यह काले तिलों का और गुड़ों का यह लड्डू प्रतिदिन संध्या के समय, शाम के समय बच्चे को खिला दें। बच्चे के लिए यह मिठाई का कार्य भी करेगा। यह लड्डू पौष्टिकता से भी भरपूर है, आयरन से भी भरपूर है, गुड़ स्वयं में एक शक्ति है और तिल स्वयं एक विराट शक्ति है पौष्टिकता के लिए, और बच्चे के लिए फायदेमंद भी है। और जो बच्चे बिस्तर को गंदा करते हैं, पेशाब कर देते हैं बिस्तर पर, मूत्र त्याग कर देते हैं रात्रि को तो सोते समय, तो दो तीन दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि इस लड्डू के दोबारा से खाने से वह बच्चे बिस्तर को गंदा करना, रात्रि के समय पेशाब करना बंद कर देंगे और वह बच्चे रात्रि के समय मूत्र त्याग की इस समस्या से आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और आप इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो इस समाधान को अवश्य ही कीजिए और इसके लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जो हमारे दर्शक नए जुड़े हैं हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान से, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।